ले लो करते हैं, मगर चंद दिन के लिए आपको भी हमारी गवर्नमेंट के साथ के बाद कलेक्टर हैदराबाद से बात किया जाकर उन्होंने मुझको बताया आपको जो लेटर दिया गया था उसके बारे में हमको सर्वे की रिपोर्ट आई, आप बिल्कुल सच बताएं, मगर थोड़ी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है टेक्निकल। मैं पूछा रहा मैं, उन्होंने बताया कि अभी हमारी गवर्नमेंट की जानिब से मोसी रिवर को बहुत बड़ा फंड आया और जिसके बाद मोसी डेवलपमेंट करने के बाद मैं समझता हूँ मैं जहाँ पर आइडेंटिफाई किया वहाँ पर इस समाज के लिए बड़े से बड़े शेड डालकर अलग के चीजें हैं उसके अंदर टॉयलेट बाथरूम तमाम चीज़ों को बनाने का वादा किए थे कलेक्टर साहब ने और मेरे को लेटर भी दिए थे और वो लेटर मेरे पास भी है, आप देख रहे होंगे। आज से 3 महीने पहले बारिश वक्त जो मोसी नदी तूफान सागर हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के बाद जो रोड को बंद कर देना पड़ता है और उसी तरीके से मैं खुद जाकर फिर हमारे म्यूनसिपल चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार से प्रावधान किया और मैं खुद एक लेटर दिया, लेटर में ये था कि मोसी नदी जिस वक्त उस्मान सागर हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के बाद ये कई दिन तक रास्ते को बंद कर देना पड़ रहा है, जो 100 फीट की रोड जो समाज के लोग जहाँ पर गुजरने के बाद जाते हैं और उसके लिए जो जियागुड़ा कबेले के आगे जो गौशाला है गौशाले से लेकर पुरानापुर के नया जो ब्रिज है उस ब्रिज के लिए एक ब्रिज का प्रपोजल दिया गया ताकि आवाम को सहूलत हो और ब्रिज बनने के बाद मैं समझता हूँ जो हैंडिंग पोर्शन है जो इमामपुरा किराए का जो कब्रस्तान की जो दीवार है और जो पीपल का झाड़ है उसके आसपास के अंदर आप तमाम को एक छेद डालकर वहाँ पर दिया जाएगा कई कई बार आपको बनाने के लिए और कई बार मैं आपकी ओर हासिल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मुझको जो जिम्मेदारी दी गई थी मुझको आपको जो बताया था मैं वही बता रहा हूँ आपके सामने जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है। और दूसरा रहा सवाल